हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे. गाइस, हम बड़े जल्दी मिल रहे हैं. मैंने अपना लास्ट वीडियो कल ही अपलोड किया था, जो कि था आपके मैकेनिक्स के, ग्रेविटेशन और फ्लूड मैकेनिक्स से रिलेटेड. आप उसे ज़रूर देखिएगा. आज हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के, एटॉमिक फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स. तो आप मिस मत करिए, पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि कुछ भी एक फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. क्या पता डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पर कोई क्वेश्चन आ जाए. तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना वीडियो. अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जरूर लाइक करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास. देखिए, पहला जो फॉर्मूला है वो है स्पेक्ट्रल डेंसिटी का. ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी या स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, जो गाइस इसको हम डिनोट करते हैं. देखिए, अगर मैं लैम्डा के टर्म से बात करूँ तो यू लैम्डा होता है. ये लैम्डा और टेम्परेचर का फंक्शन है, जिसको हम लिखते हैं 8 पाई hc ओवर लैम्डा की पावर 5 1 ओवर ई की पावर hc ओवर लैम्डा kt-1. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसको. ये फॉर्मूला मतलब क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? हो सकता है कि आपसे बोलता है टू डिफरेंट लैम्डास के लिए रेशियोज फाइंड कर लीजिए, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है. या आपको एक एक कंडीशन दे देगा कि जो एच सी है वो kt से ज़्यादा बड़ा है, तो वो उसके लिए कंडीशन निकाल लीजिए. कुछ भी आ सकता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैंने देखा है, चाहे जैम की बात करते हैं तो कम है, लेकिन क्या होता है जब IIT पेपर सेट कर रहा होता है तो वो गेट का भी कुछ क्वेश्चंस ले रहा होता है जो आपके सिलेबस के अंदर होता है. ठीक है, ये नहीं कि गेट का हायर लेवल का क्वेश्चन ले लेता है. तो ये क्वेश्चन मैंने देखा है, तो आप कर लीजिएगा इसको. ठीक, अब इससे रिलेटेड और एक दो फॉर्मूले क्या है, जैसे कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये तो बहुत बेसिक है, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा. ये क्या बोलता है हमें कि मैक्सिमम ऑफ द स्पेक्ट्रल रेडियल डेंसिटी इज शिफ्टेड टू द हायर फोटोन एनर्जी. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो उस केस में आपको पता होगा कि जो लैम्डा मैक्स होता है वो बी ओवर टी के बराबर होता है. बी की जो वैल्यू होती है वो 2.9 × 10 की पावर -3, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर केल्विन के बराबर होती है. ठीक है, तो ये है. सो गाइस, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है मेरे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसमें क्या पता होना चाहिए आपको कि जो जो रेडिएशन है, जो जो रेडिएशन है उसके द्वारा जो निकाली गई रेडिएंट फ्लक्स है, बेसिकली जो फाई टोटल है, फाई टोटल कहने का मतलब टोटल रेडिएंट फ्लक्स, रेडिएंट फ्लक्स किसी एक एरिया में, तो वो होता है ए, ये सिग्मा ए टी की पावर 4. टी इज द टेम्परेचर, ठीक है, ए इज द एरिया, और सिग्मा इज दी स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, जो आपको गिवन भी हो सकता है, नहीं आपको पता है तो 5.67 × 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4. तो ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. देखिए, अब नेक्स्ट में क्या करना है आपको. सो गाइज, मैं ये एक प्री कंसिडर कर लेता हूँ कि आपको जो है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो ऑलरेडी पता होगा. तो जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्पटॉन इफेक्ट से रिलेटेड फॉर्मूला. कॉम्पटॉन इफेक्ट, कॉम्पटॉन इफेक्ट में आपको क्या पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. आप इसके फॉर्मूले मत स्किप करिए. ठीक है, क्या है, देखिए, जो डेल्टा लैम्डा होता है यानी शिफ्ट इन दी वेवलेंथ, और ये डेल्टा लैम्डा है किसके बराबर, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इनिशियल वेवलेंथ माइनस फाइनल वेवलेंथ, ये किसके बराबर होता है, एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज दी स्कैटरिंग एंगल. स्कैटरिंग एंगल, अब ये क्या होता है इसमें, आपको इसका अगर थ्योरी पता है तो काफ़ी अच्छी बात है. एक फोटोन आता है, एक फोटोन आता है और एक इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पर अवेलेबल होता है उसके साथ कोलाइड करता है, तो ये जो है फोटोन स्कैटर हो जाता है बेसिकली, और ये जो स्कैटरिंग एंगल है ये अल्फा होता है ऐसे. ठीक है, तो इसमें एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन, जैसे 2019 में भी डायरेक्ट शिफ्ट के ऊपर पूछा गया एक क्वेश्चन, तो अगर स्टूडेंट को फॉर्मूला पता था, उसमें बेसिकली एंगल निकालना था, ये शिफ्ट गिवन था, एम नॉट इज़ द इलेक्ट्रॉन का मास, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, एच इज़ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, तीनों की वैल्यू बहुत ही सिंपल है, सबको पता होती है, तो यहाँ पर वो एंगल निकालना था. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहा होगा ये फॉर्मूला ही भूल गए थे कि यहाँ बीच प्लस आ तो नहीं आता है, यहाँ एम नॉट सी स्क्वायर तो नहीं होता है,
ये एच स्क्वायर तो नहीं है, बहुत सारी दिमाग में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है उस टाइम पर, तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए आपको? सो गाइस जो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए वो कॉम्पटन इफेक्ट में ही एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, यानी जो ये फोटोन स्कैटर्ड है ना, ये फोटोन जो स्कैटर्ड हुई है इसकी एनर्जी कितनी है बेसिकली। तो ई डैश जो स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इनिशियल एनर्जी एच न्यू ओवर वन प्लस एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला आपको भी ध्यान रखना है। एच न्यू इज़ दी इनिशियल एनर्जी जो ये फोटोन आ रही थी, बेसिकली ये एक्सरे के अंदर होता है कॉम्पटन इफेक्ट, और एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हम फोटोन ही लेते हैं। तो फोटोन की इनिशियल एनर्जी कोलिजन से पहले एम नॉट सी स्क्वायर इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वन माइनस कॉस अल्फा, अल्फा इज सेम एज द स्कैटरिंग एंगल जो मैंने ऊपर बताया आपको। तो ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा गाइस कॉम्पटन इफेक्ट में वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो रिकॉयल होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है फाइनली, तो वो होता है आपके पास ई के इज इक्वल टू एच नॉट एच न्यू ओवर एम सी स्क्वायर वन माइनस कॉस अल्फा ओवर वन प्लस एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ये रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हम बात करें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको पता है कि अल्फा कितना होना चाहिए, 180, किसके लिए, फोर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ई के मैक्स कितना आ जाएगा उस केस में, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो एच न्यू ओवर वन प्लस एम नॉट सी स्क्वायर ओवर टू एच न्यू, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम के लिए केस क्या है, अल्फा हमेशा 180 होना चाहिए। अब गाइस क्या होता है, जो मैंने आपको पीछे डायग्राम बताया ना कि जैसे ये अल्फा है और यहाँ पर ये बीटा का एंगल होता है, अल्फा और ये बीटा का एंगल, बेसिकली रिकॉयल एंगल और स्कैटरिंग एंगल के बीच में, या एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग के बीच में, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, बीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, और अल्फा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, तो इनके बीच में रिलेशन के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ सकता है चारों ऑप्शन में से, तो उसके बीच में रिलेशन क्या है, देखिए गाइस उसके बीच में आपको डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा मैं बता चुका हूँ आपको, अल्फा इज द स्कैटरिंग एंगल और बीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसके बीच में रिलेशन होता है कॉट बीटा इज इक्वल टू वन प्लस एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर और ये टेन अल्फा बाई टू, ठीक है गाइज। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बढ़ रहे हैं वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल की तरफ। वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल में आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले डी ब्रोगली वेव लेंथ जो कि बहुत बेसिक है, आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या होता है कि जो लैम्डा है वो एच अपॉन एम वी के बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। इसके और भी बहुत सारे फॉर्म हैं जैसे एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ई, वेयर के ई इज़ द काइनेटिक एनर्जी। इसका एक और फॉर्मूला है एच अपॉन टू एम क्यू वी, अगर हम क्यू चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हैं वी पोटेंशियल से तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्यू वी के बराबर होता है। और अगर थर्मल न्यूट्रॉन्स है, अगर मेरे पास थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं तो थर्मल न्यूट्रॉन्स के केस में हम जो ये काइनेटिक एनर्जी लेते हैं 3/2 kT लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो हम जब उसको पुट करते हैं तो उस केस में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है उसका वो एच अपॉन अंडर रूट 3 mkT होता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है। और गाइस जो जो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए वो है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। आई होप कि आपको मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में बताए हुए हैं, जैसे फेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ ओमेगा बाई के और एनर्जी बाई मोमेंटम, ये तो ग्रुप फेज वेलोसिटी है। और जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो डी ओमेगा बाई डी के होता है या डी ई बाई डी पी होता है, ठीक है। बट पी और जी में रिलेशन क्या है, यानी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? सो गाइस जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है, जो जनरली जनरल रिलेशन जो होता है इनके बीच में, वो है वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी ओवर डी लैम्डा। तो इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी ये बोल दे कि वी पी इज़ द फंक्शन ऑफ लैम्डा दे दे और बोल देता है कि आप निकालो अब इसका ग्रुप वेलोसिटी,
हो सकता है ना फेज वेलोसिटी दे सकता है, क्योंकि हमें यहाँ डी वी बाई डी लैमडा है, तो ये निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब नॉन डिस्पर्सिव जो आप ज़्यादातर देखते हो वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम्स होते हैं, और जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम्स होते हैं उनमें डी वी पी बाई डी लैमडा जीरो के बराबर होता है, और आप सिंपली कई बार देखा होगा आपने वो वी जी इज इक्वल टू वी पी आर आर होता है हमारे पास, जैसे डी ब्रोगली वेव पैकेट्स के लिए ये हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता होगा आई होप। आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि तीन है, इसके तीन फॉर्म है, पहला पोजिशन और मोमेंटम है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई टू या एच क्रॉस बाई टू। एक इसका फॉर्म होता है एनर्जी टाइम के लिए, डेल्टा ई डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई टू, और डेल्टा एल डॉट डेल्टा फाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू। अब देखिए गाइज, इसमें एक कन्फ्यूज़न क्या है कि सर कई कई जगह हमने देखा है कि यहाँ ये सिर्फ एच क्रॉस लिखा होता है, एच क्रॉस बाई टू नहीं लिखा होता है। ध्यान रखिए गाइज, अगर कहीं पर मिनिमम या सिंपल अनसर्टेनिटी पूछा जा रहा है, मिनिमम या सिंपल अनसर्टेनिटी पूछा जा रहा है, तो आपको यही यूज़ करना है। अगर कहीं पर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पूछा जा रहा है तब हम सिंपल एच क्रॉस यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी हमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पूछा जाता है हम वहाँ पर एच क्रॉस यूज़ करते हैं, यानी एच अपॉन टू पाई यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी मिनिमम और सिंपल अनसर्टेनिटी पूछा जाता है तो एच क्रॉस बाई टू हम पुट करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर भी 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियसली, आप उसे चेक कर सकते हैं, अगर टाइम रहा तो हम भी सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ ये क्वांटिटीज़ क्या है, पता होगा, अगर नहीं पता तो देखिए, यहाँ डेल्टा फाई का मतलब होता है एंगुलर पोजिशन में अनसर्टेनिटी, डेल्टा एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, टाइम एनर्जी पोजिशन मोमेंटम। ठीक है, सो गाइज, एक एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जो मैंने खुद यहाँ पर इसका जो नोट्स जब मैंने बनाया था, अब ये नोट्स मेरे पास नहीं था, मेरे को जो याद है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू जा रहा है, ठीक है, तो उसमें अनसर्टेनिटी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू डबल स्लिट। ठीक है, ऐसा आ जाता है कभी कभी, कोई आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन की आप अनसर्टेनिटी निकालिए मोमेंटम में। ठीक है, तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी निकलेगा वाई डायरेक्शन में निकलेगा हमेशा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, वो टू एच ओवर लैम्डा साइन थीटा के बराबर होगा, वेयर थीटा इज द सेम एज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कितना एंगल के साथ वो स्कैटर या डिफ्रैक्ट हो रहा है, और फिर इसी से आप वो भी निकाल सकते हैं उसका कि अगर डेल्टा पी वाई अगर आपका निकल जाता है, लैम्डा गिवन होगा हमेशा, तो आप डेल्टा वाई भी निकाल सकते हैं, यानी पोजिशन में कितना अनसर्टेनिटी होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, सो गाइज, अब हम फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि शुरुआत में है वेव फंक्शन से रिलेटेड। देखिए, वेव फंक्शन को पहचानने के चार तरीके होते हैं, या बेसिकली तीन ही तरीके होते हैं, कि अगर आप ये तीन तरीकों को देख रहे हो कि ये फॉलो कर रहा है तो वो एक वेव फंक्शन होता है। जैसे पहला पहला क्या कंडीशन होता है कि जो फाई ऑफ सॉरी साई ऑफ एक्स टी होना चाहिए, साई ऑफ एक्स टी शुड बी फाइनाइट, है ना, साई ऑफ एक्स टी शुड बी फाइनाइट सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन स्पेस, है ना। दूसरा क्या कंडीशन होता है कि डी साई ओवर डी एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और तीसरा क्या होता है, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, साई ऑफ एक्स टी शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल कहने का मतलब क्या है कि जो इंटीग्रेशन होना चाहिए उसका पूरे स्पेस में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स टी, वो हमेशा एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हमेशा एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। अगर आप ये तीन कंडीशन देख पा रहे हो तो वो एक परफेक्ट वेव फंक्शन होगा। अगर अगर कोई एक भी क्वांटिटी सही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि ये एक फिजिकली एक्सेप्टेड वेव फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो वेल बिहेव्ड फिजिकली एक्सेप्टेड और रियलिस्टिक वेव फंक्शन के लिए ये तीन प्रॉपर्टीज आपको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, आप सोचेंगे सर ये हमेशा डी साई बाई डी एक्स कंटिन्यूअस होता है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं गाइज, देखिए, डिराक डेल्टा फंक्शन है अगर, या कहीं ऐसा है कि इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो रही है, उस केस में क्या होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा कंटिन्यूअस मिले, तो चेक करना जरूरी है। ठीक है,
अब देखिए गाइस, मैं एक और चीज़ प्री कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी आती होगी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशंस, है ना। तो वो निकालना आपको आता होगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऐसा वेव फंक्शन लिखा हुआ आता है, साई इज इक्वल टू सी वन फाई वन सी टू फाई टू एंड सो ऑन, है ना। ऐसे समेशन में लिखे होते हैं जहाँ पर सी वन और सी टू एंड सी थ्री आर दी कॉन्स्टेंट्स, या कभी कभी इमेजिनरी भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो उससे घबराना नहीं है गाइज, इसमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आती है, जैसे एनर्जी फाइंड करने के लिए आ जाता है। तो क्या होता है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है किसी क्वांटिटी की, लेट्स से कि वो क्वांटिटी एक्स है, अच्छा आप पोजिशन समझ लोगे उसके, तो मैं उस क्वांटिटी को लिख रहा हूँ ए, ठीक है। उस क्वांटिटी का, जैसे यहाँ पर मैं ऑपरेटर लिख रहा हूँ, बेसिकली कोई भी चीज़ होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो ऑपरेटर से डिनोट होती है, जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है। तो जैसे अगर एनर्जी की बात करते हैं तो उसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोजिशन के लिए पोजिशन ऑपरेटर होता है। तो अगर किसी भी ऑपरेटर का मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है, तो समेशन ऑफ ऑल दीज सी एन का स्क्वायर और मल्टीपल मल्टीप्लाई बाई लैम्डा एन, वेयर लैम्डा इज नथिंग बट दी आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर ए, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, थोड़ा टेढ़ा बना दिया जाएगा क्वेश्चन। ऑपरेटर एनर्जी के लिए जैसे हैमिल्टोनियन होता है, तो हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया होगा, तो स्टूडेंट सोचते हैं ये क्या आ गया। कुछ नहीं है गाइस, डिफरेंट कुछ नहीं, आपको उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तरीका आपको याद होगा, ए माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, इससे आपको आइगन वैल्यू पता चल सकती है। और उस आइगन वैल्यू को पता कर दीजिए, और हैमिल्टोनियन का जो आइगन वैल्यू है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ज़्यादातर देखा गया है एनर्जी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें डायरेक्ट आपको ये यूज़ करना है। सी एन क्या है, ध्यान रखिएगा, सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर सिमिलरली इसी, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू, जैसे एन इज इक्वल टू वन के लिए फाइव वन, एन इज इक्वल टू के लिए फाइव टू, एन इज इक्वल टू थ्री के लिए फाइव थ्री, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो देखिए कभी कभी गाइस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को तो हमें पता है, हम रो से डिनोट करते हैं, ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, साई स्टार साई करके निकाल देते हैं सिंपली। लेकिन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो हम निकालते हैं वेक्टर है, ये प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, उसका निकालने का एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, बट कुछ नहीं है, अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, एक एक दो दो प्रॉब्लम भी निकाल लें, तो ये काम आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बहुत रेयर ही केस है कि जो फाई है ये तीनों ही एक्सेस पर डिपेंड करे, तो ज़्यादातर आपको एक्स में ही मिलेगा, तो आप उसका ग्रेडिएंट निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूले के बेसिस पर ही आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो हमें पता है क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसके अंदर, और ये बताता है हमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, बेसिकली कितने नंबर ऑफ पार्टिकल किसी एक एरिया को क्रॉस कर रहे हैं या पास कर रहे हैं, ये बताता है हमें, ठीक है। अब देखिएगा इस एक और जो टॉपिक है कि कभी कभी ऐसा आ जाता है, जैसे मैंने भी पहले बताया आपको कि फाई जो साई है आपके पास, सॉरी जो साई है आपके पास वो ऐसा रिटर्न आ जाता है, सी वन फाई वन प्लस सी टू फाई टू एंड सो ऑन, ऐसे आ जाता है ना, सी एन फाई एन तक। तो आपको क्या करना होता है, कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने आती है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन फाई टू, तो आप कैसे करोगे, जैसे पूछ लेता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन फाई टू, तो कुछ नहीं है गाइज, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन फाई टू, तो क्या करोगे आप, ये क्या है, सी टू स्क्वायर है, सी टू स्क्वायर वो किसके बराबर है, ये है फाई टू और ये साई का, जो ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है। कुछ नहीं है ये, ज़्यादा टेंशन की बात तो है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं और स्टूडेंट इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक्स करते हैं। सो गाइज, अब हम मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स के बारे में। बाउंड स्टेट कहने का मतलब, अब पार्टिकल जो है बेसिकली बाउंड हो चुका है, किसी एक पोटेंशियल के अंदर आ गया है। तो दो तरीके से हम इसको कोशिश करेंगे आपको समझाने की। पहला मैं ले रहा हूँ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक वीडियो भी डाली थी छोटी सी, मैं उसको यहाँ पर रिवाइज करा ही देता हूँ।
क्या पता होना चाहिए आपको? ये तो पता है कि हाँ पोटेंशियल बीच में जीरो होगा, जैसे एग्जांपल कि ये मेरे पास एक वेल हो गया जीरो से लेकर ए, यहाँ पोटेंशियल जीरो, यहाँ पोटेंशियल इन्फाइनाइट, यहाँ पोटेंशियल इन्फाइनाइट, यानी दोनों तरफ इन्फाइनाइट है, तो इसलिए हम इसको इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल बोलते हैं। बीच में पोटेंशियल जीरो है, पार्टिकल फ्रीली जीरो से ए के बीच में मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको एनर्जी आइगन वैल्यू पता होना चाहिए, एनर्जी आइगन वैल्यू, लेकिन उससे पहले वेव फंक्शन, जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए उस पोटेंशियल वेल से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। वेव फंक्शन क्या होता है इस केस में? साई ऑफ एन एक्स √2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, ये तो जनरल है, ठीक है। जनरल कहने का मतलब जब जीरो से ए के बीच में होगा, बट अगर आपको ध्यान नहीं आ, जैसे आ जाता है जीरो से लेकर 4L का के बीच का विड्थ है, कोई जो विड्थ की जो लेंथ है वो 4L है, तब आप क्या करोगे? या -L से लेकर L तक के बीच में, क्योंकि विड्थ का लेंथ हो गया 2L, तो कैसे करोगे? तो जनरली जो आपको ध्यान रखना है, जनरली वो हो जाएगा साई ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू √2 ओवर विड्थ की लेंथ साइन एन एक्स ओवर विड्थ। सिंपल, कुछ नहीं करना। आप जैसे जीरो से 4A होता तो हम √2 ओवर 4A करते, एन पाई एक्स बाई 4A करते, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए? एनर्जी आइगन वैल्यू। एनर्जी आइगन वैल्यू देखिए, एनर्जी आइगन वैल्यू का जो एक्सप्रेशन है, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2ma². बट अगर यहाँ पर भी ए का विड्थ नहीं होता, अगर जैसे बोल देता है -12 से 2L तक, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4L हो गई। तो आप कैसे करोगे? तो जनरल क्या है इसका? जनरली ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m विड्थ का स्क्वायर। डायरेक्ट आपको विड्थ की वैल्यू पुट करनी है और एनर्जी निकालना है, ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको पता होगा कि n=1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, n=2 का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 का मतलब होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक है, लेकिन क्या चीज़ पता नहीं होता मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। शायद मैं आज क्वेश्चंस आपको नहीं करा पाऊँ, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल में पता है, होनी चाहिए, ठीक है। बहुत पता, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए। और एक दो चीज़ और क्या पता होना चाहिए, जैसे कि एनर्जी के एक कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे ई एन प्लस वन माइनस का ई एन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैं आपको को बता देता हूँ, पाई एच क्रॉस स्क्वायर 2ma² 2n+1। यहाँ पर मैं अभी वही केस ले रहा हूँ जो मैंने यहाँ बनाया था, ठीक है। जनरल करना होगा तो आपको यहाँ विड्थ का स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं करना है। ये दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है, तो आपको वहाँ निकालने की जरूरत नहीं होगी। कम से कम एक, अगर 5 सेकंड का भी या 1 सेकंड का भी आपको यहाँ पर टाइम बच रहा है, वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट टाइम ख़त्म हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी देखा गया है, तो वो मैं नहीं चाहता। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मोमेंटम के बीच का कंजिक्यूटिव डिफरेंस प्लस माइनस पाई एच क्रॉस ओवर ए होता है, ये मोमेंटम के बीच का कंजिक्यूटिव डिफरेंस है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मैंने सिमेट्रिक फाइनाइट पोटेंशियल वेल के भी क्वेश्चंस देखे हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल्ड में इसके लिए सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो फाइनाइट पोटेंशियल वेल का जो इक्वेशन होता है हमारे पास, वेव फंक्शन जो होता है उसमें बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशंस आती हैं, बेसिकली 3 इक्वेशन आते हैं, लेकिन क्योंकि दो दो केसेस पॉसिबल है, इवन स्टेट भी पॉसिबल होता है और ऑड फंक्शन भी, ऑड स्टेट भी पॉसिबल होता है, तो मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए इवन बाउंड स्टेट, बाकी आप इसको अगर इसकी आप थ्योरी जानना चाहते हैं तो आप HC वर्मा सर की किताब को लीजिए और उसकी थ्योरी को पढ़िए। इवन बाउंड स्टेट में भी आपको क्या पता होना चाहिए, दो कर्व्स बनते हैं बेसिकली, सर्कल और एक, जैसे दो इक्वेशंस क्या होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एनर्जी आइगन वैल्यू लिख देता हूँ। इस केस में जो एनर्जी आइगन वैल्यू है, EN इज इक्वल टू 2H² p² ओवर ma². अब ये पी क्या है सर? तो यहाँ पर गाइज देखिए, पी होता है आपके पास β a/2। अब ये बीटा क्या है तो मैं आपको बता दूं, इवन बाउंड स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन है मेरे पास वो 5 1x, पहला जो वेव फंक्शन, यानी देखिए जो इसका फिगर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, देखिए x इज इक्वल टू -a/2 से ये +a/2 तक, ये x इज इक्वल टू 0 है, इसके बीच में पोटेंशियल 0 है, बट यहाँ पर अब ये दोनों साइड v0 v0 है। तो यहाँ पहला जो वेव फंक्शन है, यानी कि x इज लेस देन, इससे रिलेटेड, इससे बाहर, इससे इसके लिए नीचे, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -a/2 के लिए
वो ए ई की पावर अल्फा एक्स है, फाई टू एक्स यानी इन दोनों के बीच में वो क्या है, सी कॉस बीटा एक्स, और जो फाई थ्री एक्स है, सॉरी साई थ्री एक्स है, मैं अगर फाई बोल रहा हूँ तो सॉरी, यहाँ पर इसके बीच में एक्स इज ग्रेटर देन ए बाई टू, ये तो हो गया इसके बीच में, और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बाई टू के लिए एफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो ये कुछ वेव फंक्शन बनते हैं, तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए पी ए है, और क्यू जो होता है गाइज वो अल्फा ए की पावर टू होता है। तो ये दो रिलेशंस हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इवन स्टेट और ऑड बाउंड स्टेट में रिलेशन पूछते हैं। तो जैसे अगर मैंने अभी इवन की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इवन बाउंड स्टेट बोल देता है कभी कभी, नंबर ऑफ इवन बाउंड स्टेट्स। तो नंबर ऑफ इवन बाउंड स्टेट ध्यान रखिएगा आर एन पाई से लेकर एन प्लस वन पाई के बीच में, एन प्लस वन इवन बाउंड स्टेट होते हैं, इवन बाउंड स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आर आपका एन पाई और एन प्लस वन पाई के बीच में है तो एन प्लस वन इवन बाउंड स्टेट होंगे। सिमिलरली ऑड के केस में नंबर ऑफ ऑड बाउंड स्टेट्स, नंबर ऑफ ऑड बाउंड स्टेट इफ टू एन माइनस वन पाई बाई टू के बीच में आर, आर इज द रेडियस, जो जो इक्वेशन बनती है ना, आप इसको ना एच सी वर्मा सर की किताब से भी इसको पढ़ सकते हैं। इस केस में एन नंबर ऑफ ऑड बाउंड स्टेट्स बनते हैं, एन नंबर ऑफ ऑड बाउंड स्टेट, यहाँ एन प्लस वन इवन बाउंड स्टेट बनते हैं। तो ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल में इतना ही आपको पता होना चाहिए मेरे तरफ से। अब देखिए गाइज, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखा गया है। हाँ, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूँ तो वो बहुत बेसिक है, 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ही आपके सिलेबस में, लेकिन जो उस पर क्वेश्चन आते हैं ना वो स्टूडेंट को हिला के रख देते हैं, कभी बोसोन आ जाता है, कभी फर्मियोन आ जाता है। मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, बोसोन्स के बारे में उतना टेंशन मत लो, वो एन इज इक्वल टू जीरो वाले स्टेट में सारे के सारे आ सकते हैं। यानी अगर बोसोन है, इफ यू हैव बोसोन्स, अगर वो बोसोन्स हैं तो बोसोन्स को हम, क्योंकि बोसोन्स नहीं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है, कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकता है, तो वो एक ही स्टेट में सारे आ जाएंगे। जैसे एट बोसोन लिख देता है तो सारे के सारे को हम एन इज इक्वल टू जो भी है इनिशियल, जैसे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो जीरो, या अगर फाइनाइट इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है तो एन इज इक्वल टू वन, यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे सारे के सारे। लेकिन अगर फर्मियोन है, और फर्मियोन में भी बहुत तरीके के स्पिन होते हैं, जैसे स्पिन हाफ होता है, स्पिन 3/2 होता है, तो वो अलग अलग स्पिन पॉसिबल होते हैं। तो अगर स्पिन हाफ है, तो स्पिन हाफ है तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेगा, तो एक में अपोजिट स्पिन के साथ दो ही आ सकते हैं, फिर अगले वाले में दो आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। स्पिन हाफ का कहने का मतलब है स्पिन हाफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा और एक में दो ही आ सकते हैं। अब अगर स्पिन वन दिया हुआ है, स्पिन वन फर्मियोन जैसे लिख देता है, तो स्पिन वन फर्मियोन का मतलब है सेम स्पिन होना चाहिए दो पार्टिकल का, तभी ना हाफ और हाफ मिलकर आपके पास वन मिलेगा, ठीक है, हाफ और हाफ मिलके वन मिले। लेकिन आप एक स्टेट में तो भर नहीं सकते उसे, तो एक को आप इधर भरोगे और एक को आप एन इज इक्वल टू टू में भरोगे। तो इस तरीके से करना है आपको। तो फर्मियोन को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, बोसोन को किसी भी प्रिंसिपल से नहीं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन के लिए। गुड बाय, टेक केयर।